हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 8। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। एल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट ऐड है वहां से भी आप जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं, मॉक टेस्ट 7 वाला, ठीक है। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है एज यूजल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे से शेयर करेंगे। सो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2022 हुरन ग्लोबल 500 इंडिया सिक्योर डैश पोजीशन विद द 20 इंडियन फर्म्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया की रैंक थी 5th रैंक। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया था, टॉप कंट्रीज आपकी हैं, टॉप 3 कंट्रीज, पहला आपका है यूएसए, सेकेंड है आपका चाइना एंड थर्ड आपका है जापान। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, ये भी पूछ ली जाती हैं। एंड 2021 में इंडिया की क्या रैंक थी ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इंडिया की रैंक थी यहाँ पे 9th रैंक, ठीक है। एंड इस लिस्ट को रिलीज कौन करता है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके कोलाबरेशन में, जेक्सिंग सिटी इन ईस्ट चाइना, ठीक है। इन दोनों के कोलाबरेशन से ये लिस्ट रिलीज की जाती है। एंड अगर हम टॉप 3 इंडस्ट्रीज की बात करें इंडियन फर्म्स की जिसने यहाँ पे टॉप किया था, पहली आपकी है रिलायंस इंडस्ट्री जिसकी रैंक जो थी ग्लोबल रैंक वो कितनी थी, 34th रैंक। सेकेंड इज टीसीएस 65th रैंक एंड एचडीएफसी बैंक की रैंक आपकी थी 111th रैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन दिसंबर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज रिलीज अ बीटा वर्जन ऑफ अ लाइट वेट रॉबस्ट एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लेन एचएमआईएस, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन एचएमआईएस। सो एचएमआईएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्या नाम है इसका, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर आई स्टैंड फॉर इन्फॉर्मेशन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये आपका फुल फॉर्म इसका है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स जो है वो नए लाए गए थे। तो पहला आपका यहाँ पे फीचर है, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो आपका 2021 में जो है लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे इसमें क्या अपडेशन हुई है, दैट इज जो डॉक्टर है वो आभा अकाउंट, दैट इज ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो पेशेंट का इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसके अंडर आपका आता है, दैट इज जो डॉक्टर है वो अपने अपॉइंटमेंट्स जो है वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है डिजिटल सर्विसेज, इसके अंडर ये आता है कि जो पेशेंट है उसके प्रीवियस जो हेल्थ कार्ड्स होंगे या हेल्थ की रिपोर्ट होगी वो सब यहाँ पे डॉक्टर इजीली एक्सेस कर पाएंगे। एंड ई प्रिस्क्रिप्शन आप समझ गए होंगे, यहाँ पे डिजिटली ई जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दिया जा सकेगा, ठीक है। तो हर जगह जो पर्सन है या जो पेशेंट है उसको अपने जो पूरे कागजात होते हैं, पूरी रिपोर्ट होती है वो कैरी करके नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसके सीईओ भी आपको पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, RS शर्मा। क्या नाम है इनका, RS शर्मा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू वाज स्वॉर्न इन एज अ इजराइल डैश प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6th टाइम, ठीक है। तो ये 6वीं बार जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। एंड कौन से प्राइम मिनिस्टर है, ये आपके 25th प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड फर्स्ट टाइम ये प्राइम मिनिस्टर कब बने थे इसराइल के, तो आंसर आपका हो जाएगा 1996 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये यहाँ के पीएम बने थे इसराइल के। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इनका नाम क्या है, येर लैपिड, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, डैश बिकम फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। सो कौन से स्टेट की ये कंस्टिट्यूएंसी है, तो आंसर आपका हो जाएगा केरला की कंस्टिट्यूएंसी है ये, जिसका नाम क्या है, धर्मादम, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, केरला की धर्मादम। और यहाँ पे जितने भी वार्ड है उन सब में ही यहाँ पे लाइब्रेरीज जो है वो बनाई गई है, ठीक है। और साथ में ही रिसेंटली ये भी न्यूज में था, दैट इज जो केरला है वो पहला स्मार्ट मोबाइल कंपोजिट यूनिट उसने सेटअप की है। कहाँ पे ये सेटअप की गई है, इन दी कोलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कोलम डिस्ट्रिक्ट आपका केरला का डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसे सेटअप किया गया है। और कोलम में भी कौन सी जगह है, ये आपकी जगह है पेलिथोतम, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो आप ये चीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट अप्रूव द प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेटस टू द टूरिज्म सेक्टर। सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने यहाँ पे अप्रूवल दिया है, किसको ग्रांट करने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेटस किसे, टूरिज्म सेक्टर को, तो आंसर आपका है असम, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड रिसेंटली जो असम की गवर्नमेंट है, असम की गवर्नमेंट के साथ इंडियन आर्मी ने एक आपका अग्रीमेंट साइन किया था, बेसिकली MOU साइन किया गया था, जिसके तहत जो एक्स सर्विस मैन है उनको जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा थ्रू दी ECHS स्कीम, ठीक है। एंड साथ में ही जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली एक बिल पास किया था एस्टैब्लिश करने के लिए, क्या एस्टैब्लिश करने के लिए, सफाई कर्मचारी कमीशन, ठीक है, सफाई कर्मचारी कमीशन को जो है सेटअप करने के लिए यहाँ पे एक बिल पास किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है,
Which of the following institute is said to be the secretariat of S20 Science 20 Science Working Group of G20, जिसका मेन एम क्या होता है, जो क्या काम करता है, ये बेसिकली जो ग्लोबल कंसर्न आपके होते हैं उनको रिजोल्व करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी थी डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थीम आपको याद रखनी है, थीम इंपॉर्टेंट होती है। एंड मुझे ये जल्दी से बताओ कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया इंडिया की कब से शुरू हुई थी और कब से कब तक की रहेगी, ठीक है। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अब मैं इसे लास्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मॉडिफाई किए हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय इंक्रीजिंग द लोन लिमिट टू डैश फ्रॉम द ₹400 करोड़ फॉर द एविएशन सेक्टर। सो कौन से सेक्टर के लिए ये जो है इंक्रीज की गई है लिमिट, तो एविएशन सेक्टर के लिए। और कितना पहले कितना था ये, 400 करोड़ का था, और अभी इसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 1500 करोड़, ठीक है। तो ये लिमिट आपको याद रखनी है। और साथ में ही जो ये स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी, तो 2020 में इसे जो है लॉन्च किया गया था, मई 2020 में। और यहाँ पे अभी रिसेंटली इसका एक्सटेंशन भी किया गया था, ठीक है, मार्च 2022 से इसको एक्सटेंशन दिया गया था 2023 के, ठीक है। तो एक साल का यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया था। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो इंक्रीज किया गया था, कितना, 4.5 लाख करोड़ से कितना कर दिया गया था, 5 लाख करोड़ का, ठीक है। ये चीज छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। एंड मेन एम क्या होता है स्कीम का, दैट इज मतलब जो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, तो क्यों लॉन्च किया गया था, जो आपके एमएसएमई सेक्टर होते हैं उसको ग्रो करने के लिए जो इफेक्ट हुए थे कोविड-19 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन दिसंबर पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹7,600 करोड़ इन डैश। सो कौन से स्टेट में जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है आपके इनॉग्रेट किए गए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे इनॉग्रेट किया गया था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो 7th वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको भी लॉन्च किया गया था, उसे हरी झंडी दिखाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक जो है ये आपकी चलाई जाएगी, हावड़ा टू न्यू जलपुरी सॉरी जलपाईगुड़ी स्टेशन तक ये चलाई जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपके रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, चार रेलवे प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किए गए थे। एक आपका है बोंची दनकुनी नमतिता एंड अंबारी फलाकाटा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड रिसेंटली जो गवर्नर है यहाँ के वेस्ट बंगाल के, वो भी अपॉइंट किए गए थे लास्ट ईयर, इनका नाम क्या है, सीवी आनंदा बोस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अदानी ग्रुप ने एक्वायर किए हैं डैश परसेंट इक्विटी स्टेक इन एनडीटीवी फाउंडर्स रॉयस फॉर ओवर ₹602.30 करोड़। सो कितने परसेंट यहाँ पे जो है स्टेक अक्वायर किए गए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27.26%, ठीक है। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 27.26%। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसाइकिल वर्ल्ड कप UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड इन डैश। सो ये जो आपका माउंटेन बाइसाइकिल का वर्ल्ड कप था, ये हेल्ड आपका हुआ था लेह लद्दाख में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लेह लद्दाख में ये हेल्ड हुआ था। एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शामिल थी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख पुलिस ने इन कोलाबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, साथ में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर जो है इस इवेंट को, इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट जो था उसे ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे LG आपको पूछे जा सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, ठीक है, लेह लद्दाख के कौन है, इनका नाम क्या है, आरके माथुर, क्या नाम है इनका, आरके माथुर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस लॉन्च सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशंस पोर्टल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। द पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के साथ मिलकर कौन से बैंक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कौन से देश के बैंक के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी का बैंक था ये, ठीक है। कौन सा बैंक था, जर्मनी का बैंक, और इसका नाम क्या है, KfW डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इस बैंक के साथ किस चीज के लिए टाइप किया गया था, अग्रीमेंट साइन किया गया था, फॉर द सोलर प्रोजेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इजेस डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन फॉर बुकिंग ऑफ अनरिजर्व टिकट थ्रू डैश ऐप। सो कौन सी ऐप के थ्रू ये यहाँ पे जो है अनरिजर्व टिकट जो है वो उनकी बुकिंग की जा सकेगी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूटी सन मोबाइल, ठीक है। कौन सी ऐप है, यूटी सन मोबाइल। एंड यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है इन्होंने डिसाइड किया है ये एक्सटेंड करेंगे फैसिलिटी अनरिजर्व टिकट्स को बुक करने के लिए, ठीक है, फॉर जो आपके नॉन सर्वन एरियाज होते हैं उनके लिए यहाँ पे 20 अप टू 20 किलोमीटर्स का यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है। वेयर एज जो आपके सर्वन एरियाज होते हैं उनके लिए ये डिस्टेंस पहले 2 किलोमीटर था, अब ये 5 किलोमीटर कर दिया गया है।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस ऑफ इन इंडिया रिपोर्ट, वुमेन आर अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। द रिपोर्ट वॉज रिसेंटली इन डिसम्बर रिलीज बाय डैश। सो जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है इंडिया के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड बैंक ने। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि जो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली एक सर्वे किया था जिसमें आपका 2004 से 2019 तक का डेटा था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने बताया क्या है कि जो 84% वुमेन्स हैं वो ट्रैवल करती हैं आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज फॉर्मली रिटायर इट्स मार्स इनसाइट लैंडर आफ्टर 4 ईयर मिशन स्पेशली डिजाइन टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ मार्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस जो आपका ये मार्स लैंडर है, मार्स इनसाइट लैंडर, इसे जो है रिटायर किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब यहाँ पे इस एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जो नासा है, नासा ने रिसेंटली जो इनसाइट लैंडर है उसे रिटायर किया है, वो कौन से प्लैनेट की स्टडी के लिए बनाया गया था, तो आंसर उस टाइम पे आपका हो जाएगा मार्स। ठीक है, बाकी डिटेल अगर हम इसे देखें, जो इनसाइट लैंडर है उसे लॉन्च किया गया था वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से कैलिफोर्निया, कब इसे लॉन्च किया गया था, मई 2018 में, एंड ये लैंड हुआ था मार्स में 26 नवंबर 2018 को। ठीक है, एंड लास्ट टाइम इनसाइट ने जो कम्युनिकेशन की थी अर्थ के साथ वो थी आपकी 15 दिसंबर 2022 को। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द जापानीज आर्किटेक्ट आर्ता इजो की Recently in December passed away, he received Pritzker Architecture Prize in which year? So 2019 में इन्हें ये प्राइज जो है वो दिया गया था। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एंड 1986 में इन्हें जो है रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया था आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल फॉर द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेंक्शन डैश अमाउंट टू दी ओडिशा गवर्नमेंट अंडर दी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर द फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, लोकेशन दी गई है 220.50 करोड़ की, एंड रिसेंटली हमने ये पढ़ा था दैट इज जो ओडिशा है, ओडिशा के जो आपके सीएम है उन्होंने एक स्टेडियम अभी रिसेंटली ओडिशा में इनॉग्रेट किया था। ठीक है, जो बिगेस्ट कैपेसिटी वाइज बिगेस्ट स्टेडियम है हॉकी का, एंड यहाँ पे जो है इसका नाम क्या था, इसका नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो है आपकी अराउंड 21,000 की कैपेसिटी इसकी थी। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया साइन एन एमओयू विद दी विच कंट्रीज म्यूजियम कोल्डिंग टू होस्ट दी ज्वाइंट एग्जीबिशन सिल्वर ट्रेजर्स इन मार्च 2023। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज कौन से देश का ये आपका कोल्डिंग म्यूजियम है, तो आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क का। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेनमार्क, एंड मार्च के महीने में ये सिल्वर ट्रेजर जो है इंडिया और डेनमार्क के जो सिल्वर ट्रेजर है उनको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो इनके जो डायरेक्टर है उनका नाम भी आपको पूछा जा सकता है, तो डायरेक्टर कौन है म्यूजियम कोल्डिंग के, तो इनका नाम है रूने लैंडबर्ग, वेरियस डायरेक्टर जनरल कौन है नेशनल म्यूजियम की, इनका नाम है लीली पांड्या। ठीक है, क्या नाम है, लीली पांड्या। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडिया कंडक्टेड थर्ड एडिशन ऑफ लार्जेस्ट पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड डैश फ्रॉम 15 to 16 नवंबर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, इसका नाम है सी विगल 2022 या सी विजय 2022, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, और यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है इसे 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है बाय द इंडियन नेवी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट और यूटी पुलिस फोर्स बिकेम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक कलेक्शन ऑफ अ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी। तो यहाँ पे ऐसे जो ऑफेंसेस थे जिनका जो पनिशमेंट है वो 6 साल से ज्यादा होता था, तो उनके लिए ये चीज मैंडेटरी कर दी गई है, और किसने किया है, दिल्ली पुलिस। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एक फॉरेंसिक मोबाइल व्हीकल जो है वो दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है इन्होंने जो इनकी फायर फ्लीट है, ठीक है, फायर फाइटिंग फ्लीट जो है उसमें 2 रोबोट को इंडक्ट किया था। अब ये क्यों किया गया था, बिकॉज ऐसी कभी कभार ऐसा होता है कि जो आग जहाँ पे लगी होती है वो बहुत कंजस्टेड जगह होती है, ठीक है, या ऐसी जगह होती है जो ह्यूमंस के लिए मतलब उनको डिफिकल्टी वहां पे फेस करनी होती है, इस वजह से यहाँ पे 2 रोबोट्स को जो है इंडक्ट किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज कंप्लीटेड अ मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया विद अ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ 576 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इनका मेन मोटिव क्या है, दैट इज कि जो ये लैंग्वेजेस इन्होंने बेसिकली रिकॉर्ड की है, ठीक है, तो उनका ओरिजिनल ओरिजिनल फ्लेवर है उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे ये सारी जो स्पीचेस थी, जो लैंग्वेजेस थी, उनको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फिफ्थ एडिशन ऑफ HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। सो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है, इन BFW बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 विक्टर एलेक्सन वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल डिफीटिंग एंथनी सिंजू का इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज अकाने यामागुची ऑफ जापान वॉन द विमेन्स सिंगल बाय डिफीटिंग ताइजुइंग ऑफ चाइना ताइपी इन फाइनल्स। नेक्स्ट इज इंडियन शटलर HS प्रणॉय एंडेड हिज BFW वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 कैंपेन विद द विन ओवर वर्ल्ड नंबर वन विक्टर एलेक्सन इन हिज थर्ड एंड फाइनल ग्रुप ए मेन्स सिंगल मैच इन बैंकॉक थाईलैंड। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेन्स डबल्स टाइटल था वो किसे दिया गया था, ली यूंग एंड ओई यांगजुआनी जो चाइना के हैं। वुमेन्स डबल भी अगेन चाइना को दिया गया था ये खिताब भी, चेन गिनचांग एंड जिया यिफान, ठीक है। एंड मिक्स डबल की अगर बात करें तो जैंग सीवे एंड हुआंग यांगविंग, ये जो चाइना के प्लेयर हैं ये तीनों भी टाइटल बेसिकली चाइना को गए थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक वॉन द EAG लिटरेट अवार्ड इन इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हेल्ड एट सोची रशिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। और रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे लॉन्च किया था फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट द INR दैट इज इंडियन रुपीज के अगेंस्ट में ऑन द डिपॉजिट ऑफ इंडियन कंपनीज फॉर देयर ओवरसीज सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं आपके इन द गिफ्ट सिटी, ठीक है। गिफ्ट सिटी ब्रांच जो इनकी है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ पे MD & CEO आपको पूछे जा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो इनका नाम क्या है, संजीव चड्डा, ठीक है। क्या नाम है, संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI बैंक ने साइन किया है स्कीम ट्रांसफर अग्रीमेंट टू ट्रांसफर स्कीम ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड टू डैश। सो कौन सी कंपनी को ये बेसिकली अपनी स्कीम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा LIC म्यूचुअल फंड, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, LIC म्यूचुअल फंड। एंड जो IDBI है इनके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, राकेश शर्मा। क्या नाम है इनका, राकेश शर्मा। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एंड रिसेंटली जो इनके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको एक साल के लिए रीअपॉइंट किया गया था, ठीक है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है सुरेश, क्या नाम है, सुरेश खानतार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सैंक्शन $100 million टू श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फॉर व्हीकल लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है यहाँ पे सैंक्शन किया है 100 मिलियन लोन किसे, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को, जिसके चेयरमैन कौन है, जेके महोपात्रा। क्या नाम है इनका, जेके महोपात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू इंजीनियर इन चीफ बाय इंडियन आर्मी। सो इनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड सेकंड इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन अ मेडल एट द एशियन कप टूर्नामेंट हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। और ये कौन सा एडिशन था, सो इट इज द 33rd एडिशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी एंड सेकंड टेबल टेनिस के प्लेयर, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मनिका बत्रा। और इन्होंने यहाँ पे डिफीट किसे किया था, इन्होंने डिफीट किया था जो आपकी जापान की प्लेयर है, इनका नाम क्या है, हीना हताया। क्या नाम है, हीना हताया, ठीक है। इनको यहाँ पे डिफीट किया था। और अगर हम बाकी की बात करें, मेन सिंगल यहाँ पे जो टाइटल है वो किसे दिया गया था, मेन सिंगल का टाइटल आपको दिया गया था तमोकाजू हेरिमोटो जो जापान के हैं, ठीक है, इनको गोल्ड यहाँ पे दिया गया था। सिल्वर की बात करें तो लिम जोंग हुन साउथ कोरिया, ब्रॉन्ज चांग सिंग यून, ठीक है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था इन द मेन सिंगल। वेयर एज वुमेन सिंगल की बात करें तो वांग यीडी जो चाइना की है इन्हें गोल्ड दिया गया था, मीमा इत्यो इनको सिल्वर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ PM मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू इंडोनेशिया फॉर G20 समिट 2022 इन बाली इंडोनेशिया। सो पहला आपका पॉइंट है, पीएम मोदी अटेंडेड द 17th G20 समिट इन बाली इंडोनेशिया एंड द थीम ऑफ द समिट वाज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द सुनामी ड्यूरिंग द समिट अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन G20 ट्रेड मेजर्स वाज रिलीज्ड विच इज द WTO's 28th ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट इज द इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप दैट इज JETP विच इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंडोनेशिया विद द G7 कंट्रीज टू डी कार्बोनाइज इंडोनेशियाज कोल पावर्ड इकोनॉमी वॉज ऑल्सो लॉन्च इन द समिट। सो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट अगेन पूछी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन डैश। सो जो वीर बाल दिवस है आपका, बेसिकली ये क्यों मनाया जाता है, जो 10th सिख के गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इनके जो दो बेटे थे, इनके वैसे चार बेटे थे बट जोरावर सिंह एंड जो फतेह सिंह थे इनको जिंदा ही चिनवा दिया गया था। ठीक है, तो इस उनकी मेमोरी में आप बोल सकते हो ये जो वीर बाल दिवस है इसको मनाया जाता है। एंड पहला वीर बाल दिवस हमने इस साल 2022 में मनाया था, सॉरी लास्ट ईयर 2022 में सेलिब्रेट किया था ऑन 26th of December। ठीक है, ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन सुपरविजन एंड रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये MOU साइन किया गया है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आंसर आपको क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे रिसेंटली RBI ने जो है रिस्ट्रिक्शन हटाए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ फॉर द थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, क्योंकि यहाँ पे जो झारखंड में केस हुआ था उस वजह से यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन जो है इनसे हटाया गया था, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं ये अपने कॉस्ट बचाने के लिए थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनको हायर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथ में RBI ने रिसेंटली मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क आपका एक लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, उत्कर्ष। ठीक है, क्या नाम था, उत्कर्ष 2.0, ये याद रखना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ASK कैपिटल मैनेजमेंट हैज रिसीव्ड एन अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री टू लॉन्च एन इंडिया बेस्ड फंड ASK इंडिया एंटरप्रेन्योर फंड थ्रू द UCITS रूट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, आयरलैंड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयरलैंड। और यहाँ पे इसके MD एंड CEO कौन है ASK कैपिटल मैनेजमेंट के, तो इनका नाम क्या है, समीर देव। क्या नाम है इनका, समीर देव। ठीक है, एंड यहाँ पे UCITS की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, तो अंडरटेकिंग फॉर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज सेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बाय 2025। सो कहाँ पे ये जो है आपका कार्बन फाइबर प्लांट जो है बनाया जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज पहला IVF मोबाइल यूनिट जो है एनिमल्स के लिए वो कहाँ सेटअप किया जाएगा, अमरेली। ठीक है, गुजरात के अमरेली में। ठीक है, IVF मोबाइल यूनिट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिसेंटली इन डिसम्बर अवॉर्डेड विद द कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स मूवमेंट, जिसके ऑथर आपके हैं शेखर पाठक। क्या नाम है इनका, शेखर पाठक। ठीक है, एंड इस बुक को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, मनीषा चौधरी ने। ठीक है, मनीषा चौधरी इनका नाम है। और ये कौन सा एडिशन था इस प्राइस का, तो ये था आपका 5th एडिशन। ठीक है, और इसे जो है कौन सी फाउंडेशन जो है इसे प्रेजेंट करती है, तो न्यू इंडिया फाउंडेशन इज द आंसर। ठीक है, एंड 2021 में कौन सी बुक को ये अवार्ड दिया गया था, 2021 का जो अवार्ड आपका था तो ये दिया गया था नरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और किस इसके राइटर कौन है, दीनयाल पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट साइन एन MOU विद द डेवलपिंग द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दैट इज कृषि DSS। सो कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन दोनों ने मिलकर जो है इन दोनों ने यहाँ पे साइन किया है डेवलप करने के लिए कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और जो यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो ये है इसे यहाँ पे RISA SAT 1A एंड वेदास ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन दोनों के हेल्प से इसे जो है इन दोनों को यूज करके इसे बनाया जाएगा। ठीक है, और साथ में ही इनकी जो आपकी फुल फॉर्म है ये पूछी जा सकती है, तो वेदास की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, दैट इज विजुअल ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम, वेरस RISAT की फुल फॉर्म आपकी क्या है, रेडार सेटेलाइट 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल
रिलीज बाय द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च दैट इज CEBR, जिसका हेडक्वार्टर आपका यूनाइटेड किंगडम में है, लंडन यूनाइटेड किंगडम में. इंडिया सेट टू राइज फ्रॉम फिफ्थ प्लेस ऑन द वेल्थ WELT इन 2022 टू द थर्ड इन द ग्लोबल रैंकिंग बाय डैश. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज 2037 तक इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड रैंक, या इंडिया जो है थर्ड नंबर पे आ जाएगा. अगर एट प्रेजेंट हम बात करें तो सबसे टॉप पे अभी कौन चल रहा है, तो फर्स्ट रैंक आपका US का है, सेकेंड इज चाइना, ठीक है, थर्ड आपका अभी है जापान, एंड फोर्थ है आपका जर्मनी. ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2037 की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे अगेन आपका जो है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे रहेगा चाइना, ठीक है, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा US, एंड थर्ड पे बात हो रही है किसकी, इंडिया की. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट थ्री कंट्रीज आपकी ये हो जाएंगी. एंड अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है आपका CERB का, तो इनका नाम क्या है, मार्टिन पीरस. ठीक है, क्या नाम है, मार्टिन पीरस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल लॉन्च द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम. ठीक है, 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका फर्स्ट फेज के लिए इन्होंने एलोकेशन कितना दिया है वो आपका क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 858 करोड़ का यहाँ पे जो है एलोकेशन दिया गया है फॉर द फर्स्ट फेज. एंड यहाँ पे जो है इसकी सब स्कीम्स भी यहाँ पे हमें दी गई हैं. ठीक है, कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम. अब जो ये प्रोग्राम है, ये स्कीम है, ये बेसिकली सपोर्ट करेगी जो बायोगैस या बायो CNG आपके बेसिकली पावर प्लांट्स होते हैं उनको सेटअप करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है बायोमास प्रोग्राम. ये प्रोग्राम बेसिकली सपोर्ट करेगा जो आपके ब्रिक्विटीज एंड पीलेट्स होते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है. एंड बायोगैस प्रोग्राम, पहले था बायोमास, अब यह बायोगैस प्रोग्राम. ये बेसिकली जो आपके रूरल एरियाज होंगे वहां पे बायोगैस के जो सेटअप है उनको लगाने में सपोर्ट करेगा. ठीक है, विच बैंक पार्टनर्ड विद SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू देयर बैंक कस्टमर्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, SBI कार्ड के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा, जिसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है स्वरूप कुमार शाह. ठीक है, क्या नाम है, स्वरूप कुमार शाह. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको. और यहाँ पे इन्होंने 3 वेरिएंट जो है इस कार्ड के लॉन्च किए हैं. कौन कौन से 3 वेरिएंट है, पहला आपका है PSB SBI कार्ड एलीट. ठीक है, पहला एलीट है, दूसरा प्राइम है, और ये दोनों जो आपके कार्ड है ये स्पॉन्सर कौन करेगा, वीजा. ठीक है, वेरस जो PSB वीजा के बेसिकली कार्ड ये रहेंगे, और PSB सिंपली सेव SBI कार्ड जो ये है ये आपका रुपे कार्ड रहेगा, ये चीज याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दैट इज QHPV वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर. विच कंपनी डेवलप द QHPV वैक्सीन अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे जो है डेवलप किया है, किसके साथ मिलके, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके. ठीक है, इसके CEO कौन है, आधार पूनावाला इनका नाम है. ठीक है, वेरस इसकी जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नॉर्मल नेम क्या है, इसका नाम है जैसे सर्वाइकल है, ठीक है, सर्वा. ठीक है, और वैक्सीन का WAC, तो सर्वा वैक इस वैक्सीन का नाम है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द काउंसिल चेयर इलेक्शन ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज GPAI फॉर 2022-2023 एट GPAI समिट 2022 विच वॉज हेल्ड एट डैश. तो जो आपकी GPAI समिट है ये हेल्ड हुई थी आपकी जापान में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोक्यो, जापान इज द राइट आंसर. और यहाँ पे आपको ये चीज नोट करनी है, देखो पहले समझते हैं GPAI क्या है. GPAI आपकी एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, किस चीज के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिसे लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, इनिशियली इसमें 15 मेंबर थे, बट अब यहाँ पे 29 मेंबर्स इसके एट प्रेजेंट हो चुके हैं. ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या है, बेसिकली जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होती है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है उसके लिए बेसिकली यहाँ पे काम करना. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास, पर इंडिया से पहले कौन से देश के पास ये प्रेसिडेंसी थी, तो ये पूछा जा सकता है, तो फ्रांस के पास ये प्रेसिडेंसी पहले थी. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. एंड जो ये समिट आपकी हुई थी यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इसको चेयर किया था, जिनका नाम क्या है, राजीव चंद्रशेखर. क्या नाम है इनका, राजीव चंद्र शेखर. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द आर्ट पार्क आईआईएससी ने कोलैबोरेशन किया है किस कंपनी के साथ लॉन्च करने के लिए एआई पावर्ड प्रोजेक्ट वाणी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गूगल ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। एंड जो ये प्रोजेक्ट है ये 3 साल का आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें अराउंड 1 मिलियन पीपल जो है इनकी स्पीचेस जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी अराउंड फ्रॉम द 773 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है बट हमें हर लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो इसी गैप को फिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी रिसेंटली डेवलप इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम टू प्रमोट द शीप फार्मिंग सेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका ऐसा यूनियन टेरेटरी है जिसने डेवलप किया है इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, शीप फार्मिंग को। और रिसेंटली इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम क्या है, जेके ई कॉप। ई कॉप ऐप किसने ये लॉन्च किया था, जेके जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज में इजीली वो कांटेक्ट कर पाए पुलिस को। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक जो है कल्चरल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम क्या था, जश्न-ए-कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश दैट रिसेंटली गॉट द ट्री एम्बुलेंस टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडायवर्सिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदौर। और इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी भी है इंडिया की और ये फर्स्ट स्मार्ट सिटी भी बनी है इंडिया की। ठीक है, और साथ में रिसेंटली मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा स्टेट बना था जिसने जो एमबीबीएस का कोर्स है वो हिंदी में रिलीज किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट्स अपर भद्रा स्कीम। ठीक है, सो कौन से स्टेट ने जो है इसे लॉन्च किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका। और ये आपका एक इरिगेशन स्कीम है, ठीक है, जहां पे आपका अराउंड 2.25 लाख हेक्टेयर का जो ये प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, चिकामंगलुरु, चित्रादुर्गा, तुमाकुरु एंड देवांगरी डिस्ट्रिक्ट में जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ में ही जो कर्नाटका है इन्होंने जो है कैटल अडॉप्शन स्कीम भी जो है लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, पुण्यकोटि अडॉप्शन स्कीम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रूव द लोन ऑफ डैश टू पंजाब एंड पंजाब टू इम्प्रूव द फाइनेंस एंड सर्विस डिलीवरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, $150 मिलियन का यहाँ पे लोन जो है वो सेक्शन किया गया है। एंड वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपका $1 बिलियन का लोन जो है, $1 बिलियन का जो लोन है वो भी सेंक्शन किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड फॉर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट वाया भारत बिल पे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज इट इज द कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बना था जिसने इंटीग्रेट किया था इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल था, ठीक है, फॉर ई फिलिंग पोर्टल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022, पीवी सिंधु रैंक डैश इन द लिस्ट विद अ टोटल अर्निंग ऑफ 7.1 बिलियन व्हाइल डैश टॉप्स द लिस्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, जो पीवी सिंधु है इनका रैंक था 12th रैंक और यहाँ पे टॉप किया था नोमी ओसाका जो जापान के प्लेयर है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें जो नोमी ओसाका है इनका जो वर्थ है, ठीक है, कितना है, 51.1 बिलियन। नेक्स्ट इज सेरिना विलियम्स 14.1 बिलियन। थर्ड इज एलिन गुआ 20.1 बिलियन। एमा रेडी कानू 18.7 मिलियन। नेक्स्ट इज एगा स्वेतिक जो आपके 14.9 मिलियन। तो ये फर्स्ट ऐसे आपके प्लेयर थे, सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिसंबर विच कंपनी साइन एन एमओयू विद जापानीज ट्रांसपोर्ट फर्म मिसो ओसक लाइन्स फॉर अ न्यू बिल्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गेल इंडिया। और यहाँ पे जो वेसल्स हैं इसके वो कौन डेवलप करेगा, साउथ कोरियन शिप बिल्डर्स दाओ शिप बिल्डिंग्स एंड मरीन इंजीनियरिंग विद अ कार्टर पीरियड फ्रॉम 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने अप्रूव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ कितने के, ये आपके जो है कितने अमाउंट के ये कैपिटल एक्विजिशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 84,328 के 28 करोड़ के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो ये 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल है इसमें से 6 आपके इंडियन आर्मी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स, 10 आपके इंडियन नेवी के हैं एंड 2 आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा 2.0। अब आपको ये स्कीम का जो नाम है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर स्कीम, जो बेसिकली किस चीज के लिए लॉन्च की गई है, प्रमोट करने के लिए रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इंडिया में, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये आपके जो यंग ऑथर्स हैं उनके लिए लाई गई है, जिसमें जिनकी एज जो है एलिजिबिलिटी अगर मैं आप कहूँ तो इनकी एज जो है वो बिलो 30 होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो है 75 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें इनको फर्दर एक जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन ट्रेनिंग देगा, नेशनल बुक ट्रस्ट इन्हें ट्रेनिंग देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन इनको ट्रेनिंग देगी एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग जो 6 मंथ का इनको स्टाइफन भी दिया जाएगा, अराउंड 50,000 का जो है स्टाइफन इनको फर्दर दिया जाएगा जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली नवंबर इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 22nd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, दैट इज IORS, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज इन द मॉरिशियस, ठीक है। एंड ये मीटिंग जो है वो कहाँ पे कौन से देश ने होस्ट की थी, तो आंसर आपका हो जाएगा इसे होस्ट किया था बांग्लादेश में। कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। एंड इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है HE सलमान। क्या नाम है, HE सलमान। और कब यहाँ पे इसे एस्टैब्लिशमेंट दी गई थी, तो एस्टैब्लिशमेंट इसकी की गई थी 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ $400 मिलियन टू द HDFC लिमिटेड, दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टू बूस्ट द ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे ये लोन जो है प्रोवाइड किया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, इंटरनेशनल हाउसिंग इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज इन दी वॉशिंगटन Washington DC, ठीक है। US में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, मख्तार दियो। क्या नाम है इसका, मख्तार दियो। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया ने कब से स्टार्ट की थी, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 1 दिसंबर से ये प्रेसिडेंसी हमारी स्टार्ट हुई थी, टिल 30 नवंबर 2023 तक ही चलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।